गुड इवनिंग स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपने चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में अभी तक हमारी जो वेजिटेशन थी उसके बारे में जान चुके हैं और कल हमने वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। तो हमने जाना था कि हमारे यहाँ जो बायो रिजर्व्स हैं वो कितने हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये जो बायो रिजर्व 18 बायो रिजर्व्स हैं इनके बारे में और जो हमारे अदर जो किस तरीके से वो वर्क करते हैं, क्या उनके प्रॉफिट हैं, क्या हमें करना चाहिए और ये किस तरीके से एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो कल हम लोग फर्स्ट पॉइंट रीड कर चुके थे, आज हम लोग सेकंड पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, इसी के साथ अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मैनी बॉटेनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। अब देखिए, बहुत सारे मतलब वो जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत सारे बॉटेनिकल गार्डन्स को 1992 से फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दे रही है। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोग्राम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। इसके साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं एनिमल्स को, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें से ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ₹103 नेशनल पार्क्स, 5063 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जियोलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप टू टेक केयर नेचुरल हेरिटेज। अब 1003 जो आपके नेचुरल पार्क्स हैं उनको बनाया गया है, 563 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, जियोलॉजिकल गार्डन्स बनाए गए हैं। क्यों? ताकि ये जो हमारा नेचुरल हेरिटेज है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है तो वो हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, तो वो हमें इंडिया में देखने को मिलती है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फॉर ओन सर्वाइवल। ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फॉर अवर ओन सर्वाइवल, यानी हमें अपने सर्वाइवल के लिए भी इन सारे नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसके बारे में जानना होगा। इट इज पॉसिबल इफ इंडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज पुट टू एन इमीडिएट एंड। अगर देखिए, हम लोग इन सारी जो इकोसिस्टम है जितनी हमारी चीज़ें हैं इनको इक्वली यूज़ नहीं करेंगे, इक्वली वैल्यू नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ये हमें डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाएंगी। अब देखिए, इसमें फर्स्ट है माइग्रेटरी बर्ड, कौन कौन से बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करते हैं या माइग्रेटरी बर्ड्स किसी को कहते हैं। सम ऑफ द वेटलैंड ऑफ इंडिया आर पॉपुलर विद माइग्रेटरी बर्ड्स। अब देखिए, जो हमारे वेटलैंड्स हैं वो क्यों फेमस है, तो वो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस हैं। ड्यूरिंग विंटर बर्ड्स सच एज साइबेरियन क्रेन कम इन लार्ज नंबर। अब देखिए, विंटर सीजन में बहुत सारे साइबेरियन क्रेन्स आते हैं। वन सच प्लेस फेवरेबल विद बर्ड इज द रन ऑफ कच्छ, और इनका जो फेवरेट प्लेस है वो क्या है, रन ऑफ कच्छ है। एट अ प्लेस वियर द डेजर्ट माइग्रेन
at a place where the desert merges with the sea. अब ये किससे से होता है? सी फ्लेमिंगो विद देयर ब्रिलियंट पिंक प्लमेज कम इन द थाउजेंड टू बिल्ड द नेस्ट मॉन्स फ्रॉम द सॉल्टी मड. अभी कहाँ पर मिलेंगे हमें? साल्टी मड्स में के आसपास देखने को मिलेंगे. एंड रेज देयर यंग वंस. और यहीं पर ये क्या करते हैं? अपने जो नए मतलब जो इनके यंग वंस होते हैं उनकी टेक केयर करते हैं अपनी बेबीज की. इट इज़ वन अमंग मैनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट इन द कंट्री. इट इज़ नॉट अ रिच नेचुरल हेरिटेज ऑफ अस. क्या आपको नहीं लगता ये हमारे लिए एक नेचुरल हेरिटेज है? चलिए तो इसी के साथ यहाँ पर ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है. एक बार हम फिर से इस पूरे सेशन को रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या रीड किया है. तो देखते हैं इसी के साथ एक क्विक रिवीजन लेते हैं पूरे चैप्टर का. देखिए तो हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो क्या है? जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. यानी जो हमारी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं और जो हमारी प्राकृतिक वन्य जीवन है उसके बारे में हम इस चैप्टर में जाना. तो सबसे पहले तो हमने ये जाना कि जो हमारा इंडिया है वो 12 ऐसे देशों में से एक है जहां पर हमें बड़े पैमाने पर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है. इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. अब यहाँ पर कितने 47,000 आपको प्लांट स्पीसीज देखने को मिलेंगी. इसके साथ साथ 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स देखने को मिलेंगे जो कि वर्ल्ड का टोटल कितना 6% है. अब देखिए द कंट्री हैज नॉन फ्लावरिंग प्लांट सच एज फर्न्स एल्गी फंगई. यहाँ तक इसके साथ साथ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं जैसे आपका एल्गी हो गया फंगई हो गया. अब देखिए इंडिया हैज अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स. इंडिया में लगभग 90,000 स्पीसीज हैं एनिमल्स की एज वेल एज अ रिच वैरायटी ऑफ फिश इन द फ्रेश एंड मरीन वाटर. यहाँ पर बहुत सारे फिशेस भी हमें देखने को मिलती हैं फ्रेश वाटर में भी और मरीन वाटर में भी. अब देखिए इसके साथ साथ जो नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लिफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग. दिस इज टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन. और इसको वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं. कल्टिवेशन क्रॉप फ्रूट ऑर्चिड आर पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन. अब देखिए जो हम लोग प्लांट्स एक तरीके से आप कहते हैं जो फल हैं फूल हैं सब्जियाँ उगाते हैं वो वेजिटेशन तो है बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन नहीं. क्योंकि वेजिटेशन और नेचुरल वेजिटेशन में क्या डिफरेंस होता है? वेजिटेशन और जो आपका नेचुरल वेजिटेशन है उसमें ये डिफरेंस होता है कि जो नेचुरल वेजिटेशन होती है उसमें जो प्लांट कम्युनिटी ग्रो करती है वो नेचुरली ग्रो करती है. उसके लिए उसको किसी भी प्रकार की ह्यूमन हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है और एक बहुत लंबे समय में तक ये मनुष्य से अप्रभावित रहती है. यानी मनुष्य का उस पर कोई भी प्रभाव
नहीं पढ़ता है। अब इसके साथ साथ व्हाट इज फ्लोरा एंड फौना, क्योंकि जब हम ये चैप्टर रीड करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फ्लोरा क्या होता है और फौना क्या होता है। देखिए यहाँ पर द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डोमिनेट द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और अ पीरियड, यानी जो एक पर्टिकुलर पीरियड में पर्टिकुलर रीजन में जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्लोरा होते हैं। और इसके साथ साथ जो सिमिलरली द स्पीसीज ऑफ एनिमल आर रेफर्ड एज फौना, और जो स्पीसीज होती हैं एनिमल्स की वो क्या कहलाती हैं, वो हमारी फौना कहलाती हैं। तो ये हमारा फौना कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन कितने टाइप्स की होती है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की बात करें तो इसमें आपका हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड सब्स, माउंटेनियर फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे वेजिटेशंस के टाइप हैं कि किस टाइप, कितने टाइप की हमें वेजिटेशंस यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इसमें आपकी कौन कौन सी हो गई, इसमें आपकी माउंटेन एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गए, थॉर्नी फॉरेस्ट हो गए, ये सारी इम्पॉर्टेंट वेजिटेशन है। इसके बाद में हमने जाना कि किस एरिया में हमें किस टाइप के प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज देखने के लिए मिलती हैं। आपको अगर हम करें ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो हमेशा ग्रीन रहते हैं या हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो उनको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ट्री सर्व्स और क्रीपर्स, बहुत सारे तरीके का स्ट्रक्चर, बहुत सारे प्लांट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे। और इसी एक पर्टिकुलर रीजन में हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन। इसी तरीके से ट्री यहाँ पर दिया हुआ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये भी हमें ये बताते हैं इस रीजन में। ये देखिए ये जो आपका रीजन होता है इसमें जब 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर की जो रेन होती है तो ये जो एरिया कहलाता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा थॉर्नी फॉरेस्ट। ये जो थॉर्नी फॉरेस्ट है ये हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर 70% और उससे कम रेन फॉल होता है। तो आप देखते हैं जितना भी डेजर्ट एरिया होता है, जैसे हमारा राजस्थान का एरिया हो गया और जो थार डेजर्ट है, इस एरिया में जो भी वेजिटेशन मिलेगी तो वो हमें क्या मिलेगी, थॉर्नी वेजिटेशन। और इसकी यहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनकी विशेषता ये होती है कि वो गद्देदार होते हैं, मतलब वो और नुकीले काटेदार होते हैं। और इन प्लांट्स की स्पेशलिटी ये होती है कि अपने अंदर वाटर को स्टोर कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर ये जो मैप दिया हुआ है ये शो कर रहा है कि कौन से प्लेस पर हमें किस टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलेगी। जैसे जो डार्क ग्रीन कलर है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को शो कर रहा है, और जो ग्रे कलर है ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसी तरीके से यहाँ पर जो माउंटेन फॉरेस्ट है उसके लिए ये इस कलर को यूज़ किया गया है। मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए डार्क कलर का यूज़ किया है, और ये आपका जो कलर दिया हुआ है लाइट स्किन कलर समथिंग,
तो ये आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के लिए यूज हुआ है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कौन से एरिया में हमें देखें, तो आप देखेंगे अगर इंडिया का सबसे बड़े पार्ट की बात करें तो हमें ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न में हमें यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट, जितना भी माउंटेन रीजन है वहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, माउंटेनियर फॉरेस्ट तो देखने को मिलते हैं। अलग अलग हाइट्स पर यहाँ पर अलग अलग टाइप के वेजिटेशन और एनिमल्स भी हम देखते हैं कि कितनी हाइट पर हमें किस टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलेगी। मैनग्रोव फॉरेस्ट, इनको टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं, और जो टाइड्स आती हैं उसके बाद में जो एक एरिया जो बनता है वहाँ पर ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्लांट्स दिए हुए हैं जो मेडिकल वैल्यू रखते हैं, तो इनके बारे में हमने डिटेल में बात किया था। तो ये जो प्लांट्स हैं इसमें आपका सरगंधा है, जामुन है, अर्जुन है, बबूल है, नीम है, तुलसी है और केचर। कचनार है, ठीक है ना। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ के बारे में जाना हमने कि वाइल्ड लाइफ क्या होती है। देखो जैसे जो फ्लोरा होता है वो क्या होता है, एक जो प्लेस की वेजिटेशन होती है वो फ्लोरा कहलाती है, और जो उस प्लेस की जो वाइल्ड लाइफ होगी यानी जो एनिमल्स होंगे तो वो वाइल्ड लाइफ कहलाते हैं। तो आप जानते हैं कि इंडिया में लगभग 90,000 क्या है एनिमल स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं, और जो कंट्री है उसमें लगभग 2,000 स्पीसीज आपको बर्ड की हैं, जो टोटल जो आपका जो पूरा आप ये कह सकते हैं वर्ल्ड है उसका 13% है, और 2,546 स्पीसीज ऑफ हमें फिशेस देखने को मिलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लगभग ये बढ़कर 12% है। इस शेयर 5.8% ऑफ द रेप्टाइल्स एम्फीबियन एंड मैमल्स, और मैमल्स और एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात करें तो ये लगभग कितना है, तो ये आपका लगभग 5-18% है। अब यहाँ पर बहुत सारे कि हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उसमें बहुत सारे एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स अब ऐसे हैं जो समाप्त होने वाले हैं, तो ये समाप्त हो रहे हैं तो इनको रोकने के लिए बहुत सारे सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। देखो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है इसका मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर रीजन में कैसी वहाँ की जो एनवायरमेंटली जैसे कितने डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वो उस प्लेस का की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है, कि एक पर्टिकुलर रीजन में कितने टाइप के प्लांट कितने टाइप के एनिमल्स एक प्लेस पर हैं तो वो वहाँ के बायोडाइवर्सिटी कहलाती है, जैव विविधता जिसको कहते हैं, तो वो उस प्लेस की बायोडाइवर्सिटी का निर्माण करते हैं। और जो केरल की साइलेंट वैली है वो अपनी डाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके साथ साथ सरकार ने इसके लिए इसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैप है ये शो कर रहा है कि इंडिया में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो जितने भी सर्कल्स हैं ये शो कर रहे हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और ये स्टार है ये वर्ल्ड सेंचुरीज को डिनोट कर रहे हैं, और ये जो ट्राइंगल्स हैं ये क्या किसको शो कर रहे हैं, ये नेशनल पार्क को, जैसे ये कान्हा सिमलीपाल राजगढ़ ये क्या है नेशनल पार्क है। अब ये यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है 18 वाइल्ड रिजर्व्स की कि कौन कौन से वाइल्ड रिजर्व्स हैं इंडिया में। फिर हम लोगों ने अभी यहाँ पर जाना कि माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं। बेसिकली जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आते हैं और वहाँ पर आकर के क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं और अपनी लाइफ मतलब कुछ समय के लिए आते हैं, रुकते हैं और
बेसिकली दूसरे प्लेस से आने वाले जितने भी बर्ड हैं वो माइग्रेटरी बर्ड कहलाते हैं, और ये एक पर्टिकुलर सीजन में आते हैं। जैसे आपको ये विंटर सीजन में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, विंटर सीजन में आते हैं आपके साइबेरियन क्रेन्स। तो जो साइबेरियन क्रेन्स हैं वो इंडिया में आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है? माइग्रेटरी बर्ड का, यानी कहीं दूसरी कंट्री से या दूसरे प्लेस से जब बर्ड्स या एनिमल आकर के दूसरे प्लेस पर रुकते हैं तो वो माइग्रेटरी बर्ड्स और एनिमल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है तो ये हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर 103 क्या नेचुरल पार्क्स हैं, 563 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारे नेचुरल हेरिटेज है। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हमें ये बताता है कि हमारे यहाँ पर हमारे इंडिया में किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, किस प्लेस पर किस फॉर्म में यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर और भी याद रखने के लिए है, इसको याद रखिएगा, जो गवर्नमेंट है उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। तो टाइगर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए हैं ताकि जो ये वाइल्ड एनिमल्स हैं इनको क्या किया जाए, इनको संरक्षित किया जा सके। और ये केवल इन लोगों, मतलब ये बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करना केवल इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये समाप्त हो रहे हैं, ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इनको देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में ये आपकी बुक एक्सरसाइज दी हुई है, ये बुक एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है। अब आप लोग इसको इजीली कर पाएंगे, आप लोग इसको एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करें ताकि आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन फॉर्म होकर के आता है तो उसको आप इजीली कर सकें। आज के लिए जो आपका क्लास है वो यहीं तक रखते हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी कल होगी। और अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। सेशन लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो इसके साथ आज के लिए आपका सेशन यहीं पर एंड करते हैं।